हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मोनिका व्लॉग्स एंड कुकिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है जी, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, बेटे को भी उठा रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और आज फिलहाल मैंने ब्लैक काले वाले चने भिगो कर रखे थे, तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और बेटे के लिए उसे पोटैटो रोल्स बना दूँगी उसके टिफ़िन में, और वो ले जाएगा। और अगर थोड़े से चने की सब्ज़ी उसके लिए सूखी निकाल दूँगी, अगर वो लेना चाहे तो वो भी ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल एक दो दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत खुद नहीं ठीक थी और इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। और आप भी बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं वीडियो, मुझे व्यूज बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो वॉच करो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ फ्रेंड। मुझे अभी सब्सक्राइबर्स और लाइक्स की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, टिफिन भी तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैंने काले वाले चने बॉईल कर रात को भिगो कर रख दिए थे, तो उसको टमाटर प्याज का जैसे नॉर्मल जो घर में तड़का लगाते हैं वन तड़का लगा कर, तो थोड़े से निकाल कर रख दिए जो तड़के में भुने हुए होते हैं, और बाकी में थोड़ा सा पानी डालकर रख दिए हुए हैं ताकि 5-7 सीटी आएंगी तो अच्छे से बन जाएंगे। और साथ साथ में मैंने बेटे का लंच भी बनाना शुरू हो गया, उसको भी टिफ़िन में डालने के लिए मैंने कहा कि दो उसको मैं फ्रेंकी रोल्स बना देती हूँ, पोटैटो चिप लंबे लंबे स्लाइसेस पोटैटो के काटे थे तो वो मैंने बना दिए थे, पहले से बना के रखे थे। तो मेयोनीज़ और चिली सॉस और टमेटो सॉस मिक्स करके उस पर रोटी पे स्प्रेड किया उसको, दोनों तरफ से थोड़ा सा उसको ऑयल लगा लिया और बीच में उसके स्प्रेड कर लिया, और ऊपर से ये पोटैटो चिप फ्राइज जो हैं ये डाले, ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज और थोड़ा सा वो डाल लिया टोमेटो केचप टोमेटो सॉस वो डालकर, तो बस इसको थोड़ा सा रोल कर दिया ताकि अच्छे से वो ले जाए। और रोल भी इसको जिस तरीके से मैं करूँगी वो आपको बताती हूँ। ये पहले मैंने इसमें मेयोनीज डाली थोड़ी सी बची हुई थी, और बाकी तो अब मैंने इसको हाँ नीचे से ऐसे एक बार फोल्ड कर दो ना, फिर बच्चे गिरता नहीं है, फिर बच्चे के हाथ से बच्चा आराम से खा सकता, बस ऐसे फोल्ड कर दिया इसको। अब मैं वो एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दूँगी दोनों को, जिससे कि वो गिरा भी ना पाए, नीचे फिलिंग है ना वो गिरती नहीं है। तो ये फ़िलहाल उसको टिफ़िन में डाल देती हूँ, टिफ़िन नहीं खाता नहीं है बिल्कुल भी, बनाकर उसको दो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को के साथ शेयर कर देता, खाता नहीं है। तो फिलहाल बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, तो मेरा किचन का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट की वीडियो इसलिए नहीं बताती ताकि आप बोलोगे एक ही वीडियो बता रही है। तो फिलहाल मैंने रूम्स की क्लीनिंग कर ली है, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो पोछा मैं इसी के साथ ही लगाती हूँ, मेरे से दूसरी तरह से लगता नहीं है क्योंकि आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है, पोलियो हुआ था तो उस वजह से मेरे से होता नहीं है, लगा तो लेती हूँ लेकिन फिर मेरे बिल्कुल ही पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। तो फिलहाल वहाँ मैंने अंदर वाला सारा कर लिया कंप्लीट, तो मैं ये लॉबी का कर रही थी थोड़ा ठीक। अगर मतलब कि काम पूरे टाइम से स्टार्ट करो ना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद से मतलब कि पूरा सही तरीके से अगर आप काम करने लगोगे तो मतलब कि आप जल्दी ही फ्री हो जाओगे, फिर फ्री होने के बाद जो लंच की तैयारी करनी है वो भी हो जाती है आराम से। तो ये मैंने लगा रही थी, आज मैंने सोचा कि वो करती हूँ, उसमें पानी में मैंने पहले वो डाल लिया सर्फ डालकर पहले मैंने एक बार सारे रूम्स में सर्फ डालकर लगाया, फिर उसके बाद मैंने फिर से साफ़ पानी लिया, तो फिर से साफ़ पानी के साथ पोछा लगाया। तो अभी मैं रूम्स वगैरह में लगा दिया, तो अब मैं किचन में लगाने जा रही थी, किचन की स्लैब मैंने कहा बाद में साफ़ करती हूँ, अभी एक ही बार लगा रही हूँ तो ये भी साथ में करते जाती हूँ। किचन वगैरह में लगा दिया पोछा, तो अब मैं बाहर किचन में लगा रही हूँ, बस बाहर बचता है
तो फिर उसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, दो दिन बारिश नहीं पड़ी है, तो इतनी बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं पूरी पसीने से भीग गई हूँ। तो मैंने बाहर पोछा लगा दिया, बाहर भी तो मैं चप्पल खोली है, तो अंदर आई तो थोड़ा किचन का बचता था मेरा, तो मैंने कहा चलो किचन में बर्तन खड़े हुए थे, तो किचन पर स्लैब साफ नहीं की थी, और बर्तन धोने का मन भी नहीं कर रहा था गर्मी में मेरा साफ करने का। तो अब चलो गैस को खत्म कर देती हूँ, साथ में सारे कप वगैरह ले गए, इधर रखने मेरे पास रखने की जगह नहीं है ना अभी, तो फिर मैं इधर ही पास में रख देती हूँ ताकि ऊपर से बार बार फिर निकाल कर जाए। तो ये किचन का सारा काम कंप्लीट करके मुझे प्यास लगी थी। तो फ्रेंड्स मैं अपना काम कर चुकी हूँ और आपसे बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी थोड़ी हेल्प करें। देखिए फ्रेंड्स सभी रूम्स सभी कुछ साफ कर दिया, क्लियर काम कर दिया, बाहर भी आज मैंने सर्फ डालकर लगाए थे पोछे, साथ में फिनाइल, ऐसे तो फिनाइल डालकर लगाती हूँ तो आज सर्फ डाला बीच में क्या। फ्रेंड्स मन कर रहा था थोड़ा कुछ खाने का, तो मैंने कहा बार बार रोटी क्या खानी, तो मैंने नमकीन लाई हुई थी, ये बड़ी तेज़ वाली नमकीन है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि इसमें मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने इसमें एक टमाटर काटा, प्याज था नहीं तो टमाटर काटा और खीरा काटा, तो ये मैंने वो कलकत्ता स्टाइल झालमुरी बनाई मिक्सचर वगैरह की डाल के भेल टाइप, तो ये बनाई, तो मैंने ये अभी खाने का मन था, मेरा मन था चलो अभी थोड़ा फ्रेश होकर आई हूँ तो चलो ये खा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद लंच तो अभी बाद में करना है। तो ये होता है कि चलो मन भी करता है खाने का, थोड़ा इंसान खा लेता है, लेकिन फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरा साथ दीजिए फ्रेंड्स, छोटे ब्लॉगर्स को भी थोड़ा वो करना चाहिए सपोर्ट, ताकि वो भी कुछ कर सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपको पता है मेरे बारे में, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हाँ ये मेरी बन गई है भेल, तो अब मैंने इसको देखिए फ्रेंड्स मेरी भेल रेडी हो गई है, अभी मन कर रहा था खाने का भी, खट्टी थी, बेटे को लेने जाना भी बहुत टाइम है, तो ये देखिए मेरी भेल, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो नमकीन है इसमें ऑलरेडी नमक मिर्च बहुत ज़्यादा है, तो खट्टी है ये, अपनी मर्ज़ी है नींबू डालना चाहते हो तो टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, तो बेटे को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, हम दोनों आ गए हैं, ये देखिए मुँह ही दिखा रहा, ये बैठा हुआ है, बोलो। यस हेलो फ्रेंड्स, बोलो ना। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रोटी खा रहा हूँ। वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू आवर चैनल। हाँ हमारे चैनल को प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स हम दोनों रोटी खा रहे हैं, ये देखिए आपको बताती हूँ अभी मैंने क्या बनाया है, ये चने की सब्ज़ी, ये देखिए ब्लैक चने की सब्ज़ी, और ये लच्छा परांठा अभी बनाया है मैंने, ये देखिए, ये देखिए, और ये इसके पास भी है, ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम दोनों खाना खा रहे हैं, तो लंच कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा।